स्वागत, खुशामदीद एंड वेलकम। आप सुन रहे हैं द नगमा पॉडकास्ट। मैं हूं वृंदा हयात वैद और ये पॉडकास्ट आप एक्सक्लूसिवली स्ट्रीम कर रहे हैं सोचकास्ट पर। इतने दिनों बाद, मुझे ऐसा लग रहा है दिन नहीं होंगे, शायद महीने ही होंगे, इतने महीनों बाद मैं ये बोल रही हूँ और इतना बोलने का मन कर रहा था। तो आज का एपिसोड किस चीज़ के बारे में है? वैसे तो मैंने ऑब्वियसली, जैसे मैं ट्रेलर टीज़र ये सब दे ही देती हूँ एपिसोड की शुरुआत में, लेकिन आज का एपिसोड इसलिए ख़ास है क्योंकि आज मैंने एक बहुत प्यारी सी लड़की हु हैपन टू कम टू वन ऑफ माई महफिल्स एंड शी हैज़ सच अ ब्यूटिफुल एंड सच अ मेलोडियस और इतनी खूबसूरत तराशी हुई आवाज़ है उसकी कि मुझे उससे जाकर इल्तिजा करनी ही पड़ी कि भैया क्या तुम गाना चाहोगी नगमा के लिए, एंड शी वेरी ड्यूली अग्रीड। तो आज के इस एपिसोड में आज का जो नगमा है उसकी आवाज़ जब आप तरन्नुम में सुनेंगे तो वो मेरी नहीं होगी, फॉर्चुनेटली थैंकफुली। आपको शायद एक आराम भी मिलेगा मेरी बेसुरी आवाज़ से, थोड़ा कुछ कुछ गाऊँगी तो सही, लेकिन अमूमन जो सारी आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी वो मिलेगी सुहावी कलसी की। तो सुहावी, अगर तुम ये सुन रही हो तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से और मेरे शायद लिसनर्स और व्यूअर्स की तरफ से भी, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। सुहावी की आवाज़ में हमने अली सेठी की कॉम्पोजिशन सुनी है और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अली सेठी इज़ दैट पायनियर ऑफ यू नो बीइंग दैट कंटेम्प्रेरी फिगर जो पुराने नगमे पुरानी गज़लें ले आते हैं और उसे एक मॉडर्न कॉम्पोजिशन, उसे एक री इमेजिनेशन, उसे एक नया तसव्वुर एक तरीके से देते हैं। तो अली सेठी की उस कंटेम्प्रेरी बकेट में से जो आज का नगमा हम लेकर आए हैं वो है खबरे तहय्युर इश्क। सुन, अब बहुत लोग खबरे तहय्युर इश्क सुनते हैं, गाते हैं, ऑल थैंक्स टू अली सेठी, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि ये गज़ल जो है, एंड दिस इज़ अ गज़ल इफ़ यू लिसन टू इट फोनेटिकली, इट इज़ रिटन बाय सिराज औरंगाबादी। औरंगाबाद जो कि प्रेजेंट डे इंडिया में है, तो औरंगाबाद के वो मकबूल शायर सिराज औरंगाबादी की ये गज़ल है। और इस गज़ल में न सिर्फ वो चार शेर हैं, अशार हैं, जो अली सेठी ने अपनी कॉम्पोजिशन में गाए थे, बल्कि ये कंप्लीट गज़ल है। और इसलिए शायद, क्योंकि मैं चाहती थी कि इसके जो और अशार हैं वो भी हम सुने, और प्लस इसका जो मानी है, इसका जो मीनिंग है, क्यों लिखी गई गज़ल, वो भी हम डिस्कस करें। नगमा जो है उसमें मेरा मेन एम जो है इस पॉडकास्ट को शुरू करने का वो ये है कि जो दबे पुराने ऑब्सोलीट हमें लगता है ना, मतलब हैं गानों के, वो एक्चुअली में शायद उतने ऑब्सोलीट हैं नहीं जितने हमें लगते हैं, क्योंकि द वेरी एसेंस ऑफ मीनिंग एंड द वेरी एसेंस ऑफ एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट्स बिकॉज इट हैज़ समथिंग ऑफ क्रेडिट एंड मेरिट विद इन इट, राइट। सबसे पहले तो हम खबरे तहय्युर इश्क ये जो एक फ्रेज है, मुश्किल है समझना, लेकिन शायद दो वर्ड्स हैं इसमें से जो हमें समझ आते ही हैं। इसमें खबर, इश्क, ये दो ऐसे शब्द हैं जो हमको पता है इनका मतलब क्या होता है। खबर यानी कि न्यूज़, इश्क यानी कि लव। तहय्युर इज़ द मेन वर्ड हियर। तहय्युर का मतलब क्या होता है भाई? तहय्युर का मतलब होता है वंडर, अमेजमेंट। जब आप कोई चीज़ देखकर भौचक्के रह जाते हैं, वहीं के वहीं थमे रह जाते हैं, वो है ना, मैं ठहरा रहा ज़मीन चलने लगी, वो वाली जो फीलिंग होती है ना, जो शाहरुख खान ने हमें सिखाई है, दैट मीन्स तहय्युर। तहय्युर असल में इंसान जब कुदरत को देखता है, कुदरत के नज़ारे देखता है, मंजर देखता है, एंड व्हेन दैट पर्सन इज़ नॉट एबल टू मेक सेंस ऑफ व्हाट इज़ अनफोल्डिंग इन फ्रंट ऑफ हिज और हर आइज़, That is what real tahayyur is. That is what real wonder is. और wonder से बड़ी खूबसूरत शायद कोई feeling नहीं होती, क्योंकि जब आप कुछ समझ नहीं पा रहे होते लेकिन फिर भी उस चीज़ को खूबसूरत मान रहे होते हैं, एंड यू नो रियल ब्यूटी इज़ समथिंग दैट यू डोंट अंडरस्टैंड इन द फर्स्ट गो, इट टेक्स यू ईयर्स एंड ईयर्स टू अंडरस्टैंड इट। तो वो तहय्युर जो होता है वो सबसे ख़ास एहसास होता है। खबरें तहय्युर इश्क यानी कि दैट मोमेंट ऑफ फॉलिंग इन लव, and because it is falling in love, it is the most wondrous feeling of all. usse zyada khoobsurat, usse zyada bhauchakka kar jane wali shayad insaan ke liye koi feeling nahi hoti, kyunki it's a fleeting moment,
बिकॉज यू कॉन्ट रियली कैप्चर दैट मोमेंट वेन यू फॉल इन लव, राइट. खबरें तहयूर इश्क सुन, यानी कि सिराज औरंगाबादी जिन्होंने ये गज़ल लिखी है वो सुना रहे हैं ये खबर इश्क के उस लम्हे में, इश्क में गिरफ्तार होने की. खबरें तहयूर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही. तो खबरें तहयूर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही. जुनू यानी पैशन. जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत जुनूनी होते हैं, बहुत पैशनेट होते हैं, और पैशन जो होता है दैट इज़ इट्स प्रॉबेबली वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू स्टेजेस ऑफ फॉलिंग इन लव. बिकॉज जब आप जुनूनी होते हैं किसी चीज़ के लिए, आप उसके प्यार में पड़ चुके होते हैं, आप उसे हासिल करने के लिए निकल चुके होते हैं. लेकिन असल इश्क क्या होता है, असल लम्हा क्या होता है जब हम इश्क में गिरफ्तार होते हैं. खबरें तहयूर इश्क सुन, ना जुनू रहा ना परी रही. कोई एक्सट्रीम फीलिंग नहीं रही, कोई पैशन नहीं रहा, सब कुछ थमा हुआ था, सब कुछ कूल डाउन था. ना तो तू रहा ना तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही. गॉड इज डिफाइंड एज बीइंग दैट वन फोर्स, दैट वन फोर्स दैट हैज मेड अस ऑल. God is love. Love is God. So when you fall in love, that is the moment when you actually have the chance to witness God. बेखबरी, बेखुदी, बहुत सारे लफ्ज़ हैं उस एक आलम के लिए, उस एक कैफियत के लिए जो हम महसूस करते हैं जब हम अपने आप से एसोसिएट करना बंद कर देते हैं. अपने आप से एसोसिएट करना बंद कर देते हैं का क्या मतलब है, यानी कि दैट वननेस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट वननेस ऑफ यू एंड मी, आप और मैं जब एक होते हैं उस वक्त जो बेखुदी का आलम होता है. बेखुदी यानी खुद से अलहदा, खुद से अलग हो जाने का एक आलम. तो ना तो तू रहा ना तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही.